दिल्ली में एमसीडी 8 लाख गरीब बच्चों को पढ़ाती है, बिना पैसे लिए पढ़ाती है, उनको दोपहर का भोजन देती है। उस मिड डे मील का जब पैसा दिल्ली सरकार से मांगा तो मैं सदन को बताना चाहता हूं और आप सबको निंदा करनी चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वो पैसा कहां खर्च किया। जब वो तेलंगाना में सरकार बनी थी तब हमने सुना था कि वहां के मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ रुपए अपना घर में लगाया। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जिस मुख्यमंत्री ने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज वो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री अपने सरकारी घर में 21 करोड़ रुपए का टेंडर करवाया है मिड डे मील के पैसों से। आज मुख्यमंत्री के घर में स्विमिंग पूल बन रहा है। आप हैरान मत होइए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, टेंडर हुआ है 21 करोड़ रुपया। परवेश सिंह जी प्लीज अवॉइड पर्सनल रिमार्क्स प्लीज। सर पर्सनल क्या है इसमें, मैं तो बता रहा हूं कि सरकारी खर्च, वो अपना खेती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना खेती करके गेहूं बेच के नहीं लाए। वो दिल्ली का टैक्स पेयर का 21 करोड़ रुपया अपने घर में क्या वो स्विमिंग पूल बनाएंगे? उन्होंने कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 21 करोड़ रुपया लग रहा है। और कौन सा पैसा लग रहा है? जो दिल्ली के गरीब बच्चों का मिड डे मील का पैसा था वो पैसा वो लगा रहे। उसके बाद में ये सारी कमेटीज ने कहा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दीजिए, पार्किंग टैक्स बढ़ा दीजिए, प्रोफेशनल टैक्स बढ़ा दीजिए, दिल्ली सरकार ने नहीं बढ़ाया। जब एमसीडी ने कहा कि हम कुछ पैसा के लिए अपना बॉन्ड्स ले आए क्या, तो दिल्ली सरकार ने कहा नहीं नहीं ये भी आपको परमिशन नहीं। मगर खुद दिल्ली में शराब के ठेके खुल रहे हैं क्योंकि उनको विज्ञापन करना है, उनको विज्ञापन की भूख है, झूठे विज्ञापन। उसके लिए 1000 ठेके दिल्ली में खोले गए हैं, मगर एमसीडी को पैसा नहीं देना, मिड डे मील का पैसा नहीं देना, अपने विज्ञापन की पूरी चिंताएं पूरा जुगाड़ कर रहे हैं। आपको आपको हैरानी होगी, सदन को और देश को हैरानी होगी और देश आश्चर्यचकित होगा कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई मार्च 2021 में, तो उस मार्च के महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कितना पैसा खर्च किया विज्ञापन पर? 92 करोड़ एक दिन का 1.25 करोड़ रुपया। जब दिल्ली में डॉक्टर को सैलरी नहीं दे रहे थे, नर्स को सैलरी नहीं दे रहे थे, ऑक्सीजन प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं वो ले नहीं रहे, हमारे गृह मंत्री जी अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? अपना बड़ा बड़ा फोटो लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पीएम टीवी पे दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के वेंटिलेटर पर अपना फोटो चिपकाकर अखबार में फोटो दे रहे हैं और केवल उपदेश देने का काम कर रहे हैं। तब डॉक्टर और नर्स हाई कोर्ट गए, उन्होंने कहा सर हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही, हमसे काम करवाया जा रहा है 24 घंटे, हमारे लोग मर रहे हैं। तब हाई कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि इनको पैसा दीजिए, तब उनको पैसा मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार बहुत है। हां बहुत है। कर कौन रहा है? उप मुख्यमंत्री के विधानसभा में उन्हीं की पार्टी की विधायक, मैं नाम ले सकता हूं यहां पे क्या? नहीं नहीं, उन्हीं का पार्टी की विधायक गीता रावत निगम पार्षद, अभी 1 महीना पहले सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए। कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? उन्हीं का पार्टी का निगम पार्षद जो दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड है, जिसने खुद कबूल किया है ताहिर हुसैन ने कि हां मैं दिल्ली के दंगे का मास्टरमाइंड हूं, वो कौन है? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है? और सोचिए सब सामने, अगर ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली एमसीडी आ जाए क्या होगा? दिल्ली में दंगा होगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार होगा। और पार्षद क्यों ना करे जब मालिक ही ऐसा है? पार्षद भी लगे हुए हैं, विधायक भी लगे हुए हैं,
राज्यसभा की टिकट भी बिक रही है।